लखीसराय में दबंगों ने 20 बीघा की गेहूं की फसल को आग लगा दी। आरोप है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। लखीसराय के पिपरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव में दबंगों का कहर टूट पड़ा। जमीन पर कब्जे की नियत से दबंगों ने करीब 20 बीघा की गेहूं की फसल को आग के हवाले कर दिया। गेहूं फसल लगा हुआ था और वो गेहूं को दबंग ग्रामीण दबंग लोगों ने ला करके राख कर दिया और अभी तक एक भी गिरफ्तारी वारंट नहीं, न एसपी मौन है और न थाना प्रभारी किसी को एजेंसी है। गेहूं का फसल को आग लगा करके जला दिया गया। गांव के दबंग लोग, नेता लोग और क्रिमिनल लोगों के सहयोग से हमको फसल को जला करके राख कर दिया गया। इसकी शिकायत स्थानीय पिपरिया थाना में की गई, लेकिन थाने से कोई मदद नहीं मिली। बाद में जिले के एसपी से शिकायत के बाद मामला थाने में दर्ज हो सका। वो जिस समय जमीन विवाद चल रहा है, उसमें रात में फसल आग लगा दिया गया, इस संबंध में केस किया गया, कराई से अनुसंधान कर जो दोषी होगा। एक किसान किन हालात में आजकल जमीन से पैदावार उपजा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अनाज में आग लगाने की ये घटना गंभीर है। पुलिस को भी कार्रवाई में गंभीरता दिखानी चाहिए। लखीसराय से रंजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।